नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। देपालपुर में तेज बारिश के बीच गिरते पानी में भीगते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हड़ताल करते हुए रैली निकाली और बरसते पानी के बीच एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए अपनी कई मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। वहीं दो दिवसीय भूख हड़ताल के बाद दिए ज्ञापन के चलते आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर समय रहते हमारी मांग ना मानी गई तो आंगनवाड़ियों में ताला जड़कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। हमारी मांगी ये है कि हमें पहले राज्य सरकार से 7,000 रुपये मिलते थे, लेकिन उसमें हमारी 1,500 रुपये मतलब काट दिए गए हैं, और केंद्र सरकार से हमें 3,000 दिए गए थे, उसमें हमारे 1,500 रुपये बढ़ाए गए थे, तो इसके लगभग हमें 11,500 रुपये हमारा मानदेय हुआ था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे कटाकर वापस 10,000 कर दिया गया। मतलब उधर से हमारा 1,500 बढ़ा तो इधर काट लिया गया, और आज हम इस भरी बारिश में सारी कार्यकर्ताएँ यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमने आज भूख हड़ताल की गई है, दो दिवसीय भूख हड़ताल की गई है और हमारे केंद्र पे तालाबंदी है। इसलिए हमारी मांग ये है कि 15 अगस्त के बाद अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और आंगनवाड़ियों में तालाबंदी की जाएगी। हमारी मांगे है कि हमें कमलनाथ सरकार ने जो पहले वादा किया था कि हमें परमानेंट किया जाएगा, वो वादा तो वो भूल चुके हैं। उसके बावजूद हमारी सैलरी में से उन्होंने कटौतरा कर दिया है, 1,500 रुपये का कटौतरा किया गया है। जो पहले राज्य सरकार से हमें 3,000 रुपये दिया जाता था, तो अब 4,500 रुपये दिया जाएगा, परंतु उन्होंने जो 7,000 हमको मिलता था उसमें से कटौतरा करके 500 कर दिया है। जिस तरह से आपने आज ज्ञापन दिया, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हो आगे आपकी क्या करना है? हम 15 अगस्त के बाद में तालाबंदी हड़ताल करेंगे। देपालपुर से जीवन मौर्य की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।